आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि सीएससी वाला बंदा क्या क्या स्टडी करता है फर्स्ट सेम में, क्योंकि यार सबसे ज्यादा दिक्कत फर्स्ट सेम में आती है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। तो मैं आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या आपको स्टडी करना पड़ता है सीएससी के अंदर। अगर कोई आईटी वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो देख सकते हो आप। क्यों देखना है? क्योंकि यार देखो, सीएससी वाले और आईटी वाले दोनों दोनों भाई भाई होते हैं, क्योंकि आपके काफी ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं सारे सिमिलर होते हैं सीएससी और आईटी के। तो मैं इसलिए कहूंगा अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार प्लीज वहां पर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं सबकी पर्सनल इंक्वायरी को सॉल्व करता हूँ। और यार अगर आपने इस चैनल को अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और अब चलते हैं, आप समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने पड़ते हैं। तो यार आपको हर सेमेस्टर पांच पांच सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास पांच सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? मैथ आ गया आपका, बीडब्ल्यूई आ गया। बीडब्ल्यूई की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें डिटेल में बताऊंगा इन सारे सब्जेक्टों में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट समझा देता हूँ। पहला कौन सा हो गया? मैथ हो गया, बीडब्ल्यूई हो गया, फिजिक्स हो गया, ईजीडी हो गया और वर्कशॉप हो गया अपना, ठीक है। इन सब में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको मैथ में क्या क्या पढ़ सकते हो। तो यार मैं पहले बता देता हूँ कि अभी मैं आपकी सिचुएशन को देख के बताऊंगा, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ट्वेल्थ का पेपर आपने दे दिया या फिर किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो में यार मैं वही कवर करूंगा जितना कि आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यार देखो आपको अगर आपको कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में जाने के बाद आपको एक बुक लेनी पड़ती है स्पेसिफिकली मैथ की, तो आपके पास वो बुक होगी नहीं। तो मैं वही टॉपिक्स बताऊंगा जो ट्वेल्थ में है, जो आप कवर करोगे आपका जो मतलब कि यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो भी कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ट्वेल्थ के वही बताऊंगा जो आपके हेल्प करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कर लिया तो आपका 45% सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो आपका कवर हो जाएगा। मानता हूँ दो चार टॉपिक जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं कॉलेज में, वो आप वहां जाकर कवर कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होते हैं 85% ट्वेल्थ का ही आता है आपके कॉलेज में, ठीक है। तो आप मैथ में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप अगर कवर कर लिए तो आपका 45% जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो कवर हो गया आपका। और जो 55% बचा उसमें क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपने इन तीन टॉपिक को कवर कर लिया पूरा बढ़िया से तो आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है मोटा मोटी कवर हो जाएगा मैथ के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बीडब्ल्यूई की। तो बीडब्ल्यूई की फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बता दी थी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ट्वेल्थ के अंदर, वो आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा पूछता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि आपका मतलब कि ओम्स लॉ हो गया, क्रिचॉप्स लॉ हो गया, सर्किट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में आप पूछता है, तो आप कवर कर लेना। और जो दो चार टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। पहला आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया। मोटर आपने शायद सिंगल फेस ही पढ़ा होगा, लेकिन ट्रिपल फेस भी आपको आएगा उसमें, तो आप कवर कर सकते हो। और बाकी दो चार टॉपिक और एक्स्ट्रा है जो आप अभी छोड़ देना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं वही टॉपिक्स ले रहा हूँ जो आपके ट्वेल्थ में आपने पढ़ रखा है, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो वहां पर आपको जाने के बाद काफी ज्यादा बेनिफिट आपको नजर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हो? तो फिजिक्स में यार आप सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है वो काफी बढ़िया से तैयार कर सकते हो, अगर आप सीएससी से बिलोंग करते हो तो। आप सीएससी से बिलोंग कर रहे हो तो सेमीकंडक्टर पढ़ लेना, क्योंकि यार देखो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है ना हमारा, उसमें काफी सारी चीजें आपको नई नई देखने को मिलेंगी, काफी ज्यादा या फिर बहुत सारी आपको चीजें जो है नई नई देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं यार इसमें थोड़ा मैं कमी बताऊंगा, क्योंकि यार मेरे को ऐसा गलत आपको नहीं बताऊंगा कि आप सारा कुछ पढ़ ले, क्योंकि यार बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि 11th 12th पढ़ के चले जाओ, तो यार 11th 12th थोड़ा मोड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ ले दो दिन में पढ़ ले। तो मैं वही वही टॉपिक बताऊंगा जो आप पढ़ के जाओगे आपको बेनिफिट नजर आएगा आपके कॉलेज में। तो आप इसमें से सेमीकंडक्टर पढ़ लेना फिजिक्स में, और आप एडी करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वाले टॉपिक्स और वाले चैप्टर देख लेना, मोबिलिटी क्या होती है सारा कुछ देख के चले जाना, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके वर्कशॉप में क्या होता है। तो देखो यार मैं वर्कशॉप के बारे में काफी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, आपको काफी उसमें पूरा नया है यार, आपको उसमें प्रैक्टिकली करना है सारा कुछ। उसमें आपको जॉब मिलती है आपको उसमें को परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे लैथ मशीन हो गया, फाउंड्री शॉप हो गया, ये सारा के सारा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और इसकी फाइल बनती है वहीं पर ही, और इसका प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम नहीं होता कॉलेज के अंदर। तो ये एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वर्कशॉप के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बता देना, मैं डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे कैसे होता है वहां पर।
तो यार अब हम बात कर लेते हैं जो पांचों सब्जेक्ट है उसका नाम है ईजीडी। ईजीडी में क्या पढ़ना पड़ता है आपको? तो ईजीडी आपके यह एकदम पूरा नया चीज है, वर्कशॉप और ईजीडी। ईजीडी में यार मैं आपको जितना बताऊंगा आपको समझ में आता है। अगर मैं आप हॉस्टल में होता तो मैं आपको इसके टूल्स दिखा देता, कैसे क्या होता है वो सब दिखा देता, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ तो सॉरी यार मैं वो सब नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होता है। उसमें यार देखो आपको पूरा का पूरा ड्राइंग बनाना पड़ता है और आपको पूरा मेजरमेंट के साथ सारा कुछ करना पड़ता है। आइसोलेट मतलब कि आपको एक 3D डायमेंशन दे रखा है, तो आपको टॉप व्यू पूछेगा, साइड व्यू पूछेगा, बॉटम व्यू पूछेगा, तो इसमें काफी सारी चीजें आती है। मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि ईजीडी में डिटेल में बताऊं, कमेंट में लिख के बताना कि यार मेरे को ईजीडी के बारे में समझना है, तो मैं डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा आपको। और हम बात कर लेते हैं यार कि ईजीडी सब्जेक्ट है वो यार काफी ज्यादा यूनिक सब्जेक्ट है और आपको काफी ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ठीक है। और मैं आप बता दूं इनकी जो लैब होती है, लैब के बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लैब आपके लिए चुटकी का खेल होगा कॉलेज में जाने के बाद। क्योंकि उसमें ना आपको यार ज्यादा कुछ करने पड़ेगा, आपको फाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो मैडम जो करवा रही है बस परफॉर्म कैसे करवा रही है बस वो आपको तैयार करना है। और जो आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू या फिर वाइवा जो होता है, वो यार आपका मोस्टली जो चैप्टर्स के हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन ही आपके टीचर पूछते हैं, उससे रिलेटेड है। आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वाइवा से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा सेपरेटेड, बस आपको कमेंट में जाकर लिखना होगा। तो आई थिंक यार आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट किए बिना मत जाना।